डंडात बंधन बंधन करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा परम चुके परम चुके करो कृपा करो करो कृपा परम चुके मैं सुमत देह समझा
करो कृपा, करो कृपा, पर मैं चूक गई। पर मैं चूक गई। कूप भरिया जैसे ददरा, कच्छ देश उपदेश ना भूज, ऐसे मेरा मन बिखिया विमोहे, ऐसे मेरा मन बिखिया विमोहिया, किछ आरा पार छोरा पार न सूझ, किछ आरा पार न सूझ, सकल भवन के नायका, सकल भवन के एक
के छेने डर से दिखाए जी एक छेने डर से दिखाए जी मलिन भई मत मधुआ मलिन मलिन भई मत मलिन भई मत मधुआ तेरी गत लखी ना जा गाते लखी न जा तेरी गाते लखी न जा करो कृपा करो कृपा परम छूटे परम छूटे मैं सुमत देहो समझा मैं सुमत देह समझा मैं सुमत देह समझा मैं सुमत देह समझा मैं सुमत दे
समझा समझा
मते देह समझा मैं सुमते देह समझा करो कृपा करो कृपा परम चूके मैं सुमत देहो मैं सुमत देहो समझा हम भूल बिगाड़े दिन सरा हम भूल बिगाड़े दिन सरा हम बारक हम बारिक तू गुरु पिता है हम बारिक तू गुरु पिता है दे मत समझा मत समझा जैसा बारिक भाई सबाई लख अपराध कमाए कर उपदेश कर उपदेश झिड़के वो उपदेश झिड़के बो भक्ति बहुत पिता कल पिछले अवगण बख्श ले पिछले अवगण बख्श ले प्रभु आगे मार्ग पाल मोहे सुमत देहो समझा किस हो सेवी किस हो सेवी क्या जप करी मोहे सुमत देहो समझा किस हो सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जा सतगुर पूछो जा कूप भरयो जैसे दादरा कछ देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहया कि
तिछ आरा पार न सो सगल भवन के नायका सृष्टि दे मालिक संसार दे करता सारिया नू संभालन ते प्रतपालन वाले नायक आगू मैं तैनू देखना चाहना देखना चाहना बहुत लंबे समय ले नहीं एक छेन ले क्यों क्योंकि जे तू मैनू एक छेन ले दिस पाए बस मैं तैनू अंदर वसा ला एक छिन तरस दिखाए जी है केड़ी अजीब गल है केड़ी शक्ति है पहला मन ऐसा बलवान है कि एक छिन नू संभाल सकता है असी तो वरिया देखने संभाल नहीं सकते श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही ले लो असी रोज देखने हैं गुरु दे रोज दर्शन करने हैं अजे तक गुरु नू अंदर संभाल नहीं सके गुरु नू संभालना तक कितने रह गया एक हुक्मनामा ऐथे सुनी दे दरवाजों बाहर निकल दिया भुल जाने केडी बलवंता है हे मेरे रब तू मैनू एक छेन वास्ते दिस पे मैं तैनू पछाण ला बस फिर तू मेरे तो अखां तो मेरे हिरदे तो ओले नहीं हो सकता मैं संभाल लांगा ते हुण सवाल ये है एक छेनले नहीं दिसदा मैं पिछले दिन चर्च के किसी ख्याल करियो उस प्रभु नू देखन दी इच्छा रखन वाले लोग बड़े ने सदियां तो जुगां तो ओ इच्छा लेके कालना काल रहे ने देख लई गुरु ने बाणी विच भी आख दिता कहन लगे देवतेयां दर्शन के ताई दुख भूख तीर्थ किए जोगी जति जुगत में रहते कार कार भगवे भेख पे तो कारण साहिबा रंग रहते तेनू मिलन दे तेरी प्राप्ति ले तेरे दर्शन ले की मिल गए सदियां तो काल ना काल रहे ने दुनिया दे लोग भी काल ना काल रहे ने क्योंकि एक गल ते साडे कन्नी पा दित्ती गई है ना भई प्राप्त मनुख देहरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया उन्नु मिलन दा एक चांस है सारियां नू मिले पर जे सारियां नू मिले है ते कुछ लोग ते ऐसे होने चाहिए ना जेड़े इस चांस नू संभाल लैन चांस सारियां दा ही गवाच रहे दसो कोई सीने ते हाथ धर के जुरत नाल दम भर के आखे कि मैं उस चांस नू संभाल लिया रब नू देख लिया कोई आखे किसी गुरुद्वारे विच बैठा किसी तीर्थ ते बैठा किसी डेरे विच बैठा देखना किवें मुश्किल हो गया
ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਾਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਡਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਕੱਢਿਆ ਐਡਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਦੇਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੂਪ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਲੋ ਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇ ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਿਮੋਇਆ ਕਿਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੋਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਜੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤ ਹੇ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰਭੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੇਰ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਲਾਲਟੈਨ ਲੈਂਪਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਲੈਂਪਾਂ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਚ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰ ਲਾਈਟ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਪਰ ਕਾਲਖ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਖ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੁਣ ਘਰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਘਰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲਾਲਟੈਨ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਣਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਬੱਤੀ ਜਿਉਣੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ
लंप जगाने हैं, इसलिए चिमनी साफ कर। ये चिमनी मैली हो जाए तो लाइट जावे जगह भी पई, लाइट होवे भी पई। जे चिमनी काली हो जाए, मैली हो जाए, बेशक लालटेन विच रोशनी होवे पर लाभ नहीं हो सकता, उन दे नाल कुछ नहीं दिसदा, क्योंकि चिमनी काली हो गई। गुरु ने ख्याल दे दिता, कहन लगे हे मेरे रब, मैं तैनू देखना चाहना, एक छेण दर्स दिखाया जी, पर करां की, मलन भाई मत मादवा, मेरी मत दी चिमनी काली हो गई, मलीन हो गई, हुण तेरे ज्ञान विच कोई कमी नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहब के ज्ञान विच कोई कमी नहीं, साड़ी मत मलीन है, और लाइट जल रही है, सानू फिर भी रब नहीं दिसदा, ओ लाइट जल रही है, सानू फिर भी गुरु नहीं नजर पैंदा। कहन लगे मलन भाई मत मादुआ, मलन भाई मत मादुआ, तेरी गत लखी न जा, तेरे गुणा दा तेरी गति दा पारावार किवें पवे, किवें नजर पवे। ज्ञान ते दुनिया अंदर है, गुरु दे रहे, असी गुरुद्वारे जा भी रहे हैं, बाणी सुन भी रहे हैं, कीर्तन कर भी रहे हैं, कीर्तन सुन भी रहे हैं, पर मत मलीन हो गई। गुरु ने बाणी अंदर एक था बड़ी खूबसूरत गल आखी, कहन लगे चेरी ते सुमत कहां ते पाई जाते, भरम की लीक मिटाई। चेरी का मतलब होंदा है चेली, चेला होना किसी का, दूजे लफ्ज विच सिख होना, चेला होना की है, सिख होना। गुरबाणी अंदर अनेक थावां ते आया है, जा प्रभ की हो चेरली सो सब ते उच्चा, जिस प्रभु दा मैं चेला वो बड़ा महान है। तो चेरी दा अर्थ है जीव आत्मा नु मुखातब करके आखे, क्योंकि जीव आत्मा नु मुखातब करके चेरी लफज वरते है, हे जीव आत्मा तू किंदी चेली है, चेरी ते सुमत कहां ते पाई। आ जिहड़ा परमां दा अंधेरा, परमां दी कालिक है, ये तेरी मत दी चिमनी नूं नहीं लगी, तेरी सुमत बड़ी पवित्र तैनू मिल गई, उंदे विच सब कुछ पछाण हुंदी है, दिसदा है। आपां शब्द कई वारी पढ़ने आ, मिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोह पाई, अगे की है, ना को बैरी नहीं बिगड़ना, सगल संग हमको बुलाई, जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो, जो प्रभु कर रहा है मैनू चंगा लगता, मेरा उन्दे नाल संबंध जुड़ गया, जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो। अगली लाइन पढ़ो, दी ए सुमत साधु ते पाई, ए मैनू सुमत गुरु को लो ले, चेरी ते सुमत कहां ते पाई, जाते भरम की लीक मिटाई। ये तेनू सुमत कितों मिली जिंदे नाल तेरे भरम दूर हो जाण। जिस समागम विच अज इकत्र होए है, बच्चियां दा कैंप समागम है, कैंप समागम, इत्थे बैठ के अपने मन दे भरम सांझे करदे ने, सवाल जिन्ने ने भरम विचों पैदा होंदे ने, सवालां दा जन्म भरम विचों होंदा है। जदों मनुख नूं कोई भरम पैंदा है तां उहदे विचों फिर सवाल जन्म लैंदा है। सज्जनियो मैं
ज्यादा विस्तार विच नहीं जाना चाहता, बच्चों का समा नहीं देना चाहता। इस कैंप विच असी इहो मेन प्रोग्राम रखे कि बच्चे अपने सवाल करन, जिहड़े जिहड़े उन्हां मन अंदर भरम ने ओह सवाल करन, ते उन्हां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी बाणी दी रोशनी विच युवा मिल संतुष्ट किया जाए। जिहड़े वीर सवाल जवाब दे सैशन विच मैं उस दिन इसे लिए गल कही सी, बच्चों को पता है पहले दिन जिस दिन शुरू हुई सी कि जिहड़ा तुहाडा मेरा से इहदा नां गोष्ठी है, ते मैं अर्ज़ कीती सी अनेक मन अंदर भरम सन सिद्धां दे जिन्हां दे नाल गुरु नानक ने विचार वटांदरा कीता ते उसका नाँ रखिया सिद्ध गोष्ठ। बेचारे मैं कहा ते इह तां गोष्ठी का समा जिहड़ा असीं विचार वटांदरा कर रहे हैं ना बाणी दा, यह समझो गोष्ठी हो रही। मैं कई बार महसूस भी करना ऐसे ऐसे अजीब किस्म के सवाल, तो इन्ने डीप सवाल साढ़े सामने आते हैं जो असी कभी सोचे भी नहीं होंगे, अंदाजा भी नहीं हो सकता कि इन्ने छोटे बच्चे योजे सवाल कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कई बार शक पै जाता, इस बार मैं बेटी हरप्रीत एक गल कही, मैं आखिया पता करो भी ये सवाल एडे बच्चे दे नहीं हो सकते, किसे करो लिखा के तो नहीं भेजे भी आ भी सवाल करी, या कोई वड्डा बच्चा किसी छोटे का नाम तो नहीं वरतदा। सानू पता होवे किस बच्चे की किस उम्र विच कहो जे सवाल पैदा होए ने, गुरु की बड़ी बख्शिश है। गुरमत की अगुवाई विच श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की रोशनी विच बच्चे अपने भरम दूर करते हैं और खुल के करते हैं, बार बार करते हैं। बस इस कैंप का यो वातावरण मुझे क्यों, क्योंकि भरम एक ऐसा धुआं है। धुएं का की मतलब होंगे, जिहड़ा कालख नालों भी माड़ा हुंदा जे, हालांकि कालख धुएं दे विच्चों पैदा हुंदी है, पर धुआं जिहड़ा कालख नालों माड़ा है। किसे दे कपड़ियां नूं कालख लग जाए, किसे दे घर दीआं दीवारां नूं कालख लग जाए, वह जीव सकदा है, उस घर विच रह सकदा है, पर जे उस घर विच धुआं पैदा हो जाए, कमरा धुएं नाल भरिया जाए, सह आना औखा हो जाता, क्योंकि सह लई स्वच्छ हवा चाहिए। कालख वाली जिहड़ी कालख नूं जन्म देवे, ऐसे धुएं दे विच मनुख जिउंदा नहीं रह सकता। जिहड़ा वातावरण, जिहड़ी जीवन की शैली, जिहड़ी संगत मनुख दे अंदर परमां दा धुआं पैदा कर देवे, परम की होंदे ने धुआं, परमां दा धुआं पैदा कर दे, उन्दे च बच्चियां नूं अपना जीवन औखा नज़र आ, उन्दे विच्चों ही सवाल पैदा होंदे, इसे लई ओह सवाल करदे ने कि आ धुआं किवें दूर करिए। ऐसे ऐसे सवाल आंदे ने जिहड़े साडी समझ तों सोच तों ही बाहर होंदे ने कि एडा बच्चा इह सवाल कर सकदा। और सतगुरु दी इह बख्शिश है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा खजाना इन्ना वड्डा है कि जीवन दा कोई पहलू ऐसा नहीं जिंदा जवाब श्री गुरु ग्रंथ साहिब ना दिंदे होण। और इहो कारण है शब्द दीआं इन्हां दो लाइनां विच इहो ही लफ़ज़ ने, हे मेरे प्रभु मैं तैनू किवें देखा, क्योंकि मत मलीन हो गई है, मलन भई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए, ते हुण ते तेरे अगे अरदास है। जिवें हर बच्चा अपने मन दे भरम दूर करन लई अपने मन दी इच्छा जाहिर करदा है, गुरु कहिंदे ने मेरी हुण इक अरदास है, करो किरपा भरम चूके। भरम जिहड़ी मेरे लिए अंधेरा बन गया, जिस अंधेरे विच मैं तैनू नहीं देख सकता, जिस अंधेरे विच मैं तेरी पछाण नहीं कर सकता, तू र
ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਤ ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਲੀਨ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਪਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਸ ਪੈਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮਲਿਨ ਭਈ ਮਤ ਮਾਦਵਾ ਮਲਿਨ ਭਈ ਮਤ ਮਾਦਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾ ਲੱਖੀ ਨਾ ਜਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮ ਚੂਕ ਮੋਹ ਸੁਮਤ ਦੇਹੋ ਸਮਝਾ ਸੁਮਤ ਦੇਹੋ ਸਮਝਾ ਪਰਮ ਚੂਕਈ ਪਰਮ ਚੂਕਈ ਮੋਹ ਸੁਮਤ ਦੇਹੋ ਸਮਝਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਤ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਚਪਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕੋਈ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਸਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਸਮਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਆਇਆ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਹੁਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਬਚਪਨ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੁਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਉਦੋਂ ਬਚਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੇ ਖਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।